तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2015 का शुरू करते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब जो हम कल पेपर कर चुके थे उसमें से दो क्वेश्चन रिपीटेड है। पहला सिस्टोमेट्रोग्राम और दूसरा सोडियम पोटाशियम पंप का। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ब्लड दैट इज पम्प्ड इनटू सर्कुलेशन बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एंड उसकी वैल्यू कितनी है? 5 to 6 लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, वेयर हार्ट रेट इज 72 एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 80 मिलीलीटर। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट विल दस डिपेंड ऑन द फैक्टर्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। और रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट इज प्राइमरली बाय सिम्फथैटिक एंड पैरासिम्फथैटिक इनर्वेशन विद इफेक्ट फ्रॉम हायर सेंटर्स लाइक कार्डियल वेगल सेंटर एंड वेजोमोटर सेंटर ऑफ मेड्यूला। ये कल हमने उसमें किया था ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में कि कैसे रेगुलेट होते हैं। तो क्या है कि रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन हेटरोमेट्रिक एंड होमोमेट्रिक रेगुलेशन। हेटरोमेट्रिक रेगुलेशन इज बेस्ड ऑन फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, डिपेंडेंट लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, एंड इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ कार्डियक इनोवेशन। तो इसलिए जो हेटरोमेट्रिक है वो किसका इफेक्ट होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ड्यू टू वीनस रिटर्न, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रीलोड। सो वट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वीनस रिटर्न? तो ये क्या है, मतलब इसमें देखो है क्या कि कार्डियक आउटपुट क्या है? हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट को कौन रेगुलेट करता है? सिम्फथैटिक और पैरासिम्फथैटिक। स्ट्रोक वॉल्यूम की दो रेगुलेशन है, हेटरोमेट्रिक और होमोमेट्रिक। हेटरोमेट्रिक किस पे बेस्ड है? फ्रैंक स्टार्लिंग लो पे। फ्रैंक स्टार्लिंग लो क्या होता है? लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। लेंथ क्या होती है कि वीनस रिटर्न से कॉन्ट्रैक्शन से पहले, मतलब जो उसमें ब्लड है तो वो क्या होता है? हमारा वीनस रिटर्न। तो हम सबसे पहले हेटरोमेट्रिक में क्या देखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग वीनस रिटर्न, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्री लोड। रेस्पिरेटरी पम्प, मसल पम्प, कार्डियक पम्प, ये सारे हमने कल कर लिए थे। कैपेसिटेंस, बॉडी पोस्चर, फ्लूइड वॉल्यूम, वेंट्रिकुलर डिस्टेंसिबिलिटी। फिर आता है हमारा होमोमेट्रिक रेगुलेशन। होमोमेट्रिक रेगुलेशन में क्या होता है? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो इस पर भी हमने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कल कर लिया था, एंड इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ प्री लोड कंडीशंस। सो वट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी? सिम्फथैटिक इंक्रीज करता है, ग्लूकागन डिजिटाइलस इंक्रीज करता है, पैरासिम्फथैटिक डिक्रीज करेगा। पैथोलॉजिकली कौन डिक्रीज करता है? MI, हार्ट फेलियर, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, हाइपरकैलीमिया एंड हाइपरकैपनिया। एंड और कौन डिसीज करता है? एनास्थेटिक्स, बारबिट्यूरेट्स, क्यूनिडीन और प्रोकेनामाइड। फिर है कि हम कार्डियक आउटपुट को मेजर कैसे करते हैं? तो डाई डाइल्यूशन मेथड से। और कौन सी डाई यूज़ करेंगे? इवांस ब्लू या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो इसमें क्या करते हैं? आफ्टर विड्रोवल ऑफ वेनस ब्लड, एडिशन ऑफ डाई टू द ब्लड एंड इंजेक्शन ऑफ द सेम इन टू द वेन। तो पहले हम वेन में से ब्लड निकालेंगे, उसमें डाई डालेंगे और उस पूरे को वापस से वेन में डाल देंगे। इमीडिएट विड्रोवल ऑफ आर्टीरियल सैंपल इन द सीरीज ऑफ ट्यूब विद इन 0.5 to 2 second इंटरवल। एनालिसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डाई इन द सैंपल, आफ्टर रीचिंग अ पीक इट डिक्लाइंस व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। अपवर्ड कर्व आफ्टर डिक्लाइन शो रीसर्कुलेशन, दिस ग्राफ इज एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम द डिक्लाइन शोइंग द फर्स्ट पैसेज ऑफ द डाई। सो कार्डियक आउटपुट क्या होगी? टोटल अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्टेड डिवाइड बाय मीन डाई कॉन्सेंट्रेशन एंड मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट पास ऑफ कार्डियक आउटपुट। सो क्या आ जाएगा? IC/T। ठीक है, फिर है नॉर्मल पेसमेकर पोटेंशियल का डायग्राम। तो ये रहा। तो हमने मतलब कार्डियक जो मसल होता है उसमें कितने फेज होते हैं? फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 0। तो SA नोड में क्या होता है? ये वाले फेज नहीं होते, ये अर्ली और लेट डिपोलराइजेशन वाले। तो इसमें क्या होगा? SA नोड इज़ द नॉर्मल पेसमेकर ऑफ हार्ट, हैज़ एन अनस्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल, एग्जिबिट फेज 4 डिपोलराइजेशन। AV नोड एंड हिज पुकिंजे सिस्टम आर द लेटेंट पेसमेकर दैट मे एग्जिबिट ऑटोमेटिसिटी एंड ओवरराइड द SA नोड। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ फेस फुल डिपोलराइजेशन इज फास्टेस्ट इन द SA नोड एंड स्लोएस्ट इन द पुर्किंजे सिस्टम। तो ये वही है, किस में सबसे ज़्यादा होता है? SA नोड, फिर HA, AV नोड और HA हिज पुर्किंजे सिस्टम।
तो एसए नोड की एक्शन पोटेंशियल क्या होती है, फेज 4, फेज 0 और फेज 3, इसमें 1 और 2 नहीं होते। 1 क्या होता है, अर्ली रिपोलराइजेशन, 2 क्या होता है, प्लेटियो फेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4, 0 और 3। हाँ, अब फेज ज़ीरो क्या होता है, फेज ज़ीरो इज अपस्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल कोस्ट बाय इंक्रीज इन कैल्शियम की कंडक्टेंस विच विल इंक्रीज इनवर्ट कैल्शियम करंट दैट ड्राइव्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स द कैल्शियम मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो फेज ज़ीरो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू कैल्शियम का इनफ्लक्स। आयनिक बेसिस क्या है, बाकी सबसे डिफरेंट है क्योंकि बाकी सब में देर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, लेकिन इसमें देर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। फेज थ्री क्या होता है, रीपोलराइजेशन, इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज इन पोटेशियम कंडक्टेंस, दिस इंक्रीज रिजल्ट इन आउटवर्ड पोटेशियम करंट विच कॉज रीपोलराइजेशन। फेज फोर होता है स्लो डीपोलराइजेशन, इट अकाउंट्स फॉर द पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ एसए नोड, इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज इन सोडियम कंडक्टेंस विच रिजल्ट इन सोडियम इनफ्लक्स। If it is turned on by repolarization of the membrane potential during the preceding action potential. तो देखो sequence क्या था, 4, 0 और 3। 4 में क्या हुआ, sodium का influx, 0 में क्या हुआ, calcium का influx, और 3 में क्या हुआ, हमारा potassium का efflux। फिर हमारा intrinsic mechanism of blood clotting। तो दो पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे को कौन कॉज करता है, एंडोथीलियम का डैमेज। सो जब एंडोथीलियम का डैमेज इस एंडोथीलियम के डैमेज और कोलाजन का एक्सपोजर दोनों किसे स्टिम्युलेट करते हैं, कैलीक्राइन को, विच एक्टिवेट फैक्टर 12। फिर एक्टिवेटेड 12th फैक्टर किसे एक्टिवेट करेगा, 11th को। 11th फिर करेगा 9th को, ये 9th है, 9th करेगा 10th को। सिमिलरली एक्सट्रिंसिक से भी 10th एक्टिवेट हो चुका है, एंड उससे को किसने एक्टिव किया था, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। 10th एक्टिवेट होकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बना देगा। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करके फिब्रिन का टाइट ब्लड क्लॉट बना देगा विद फैक्टर नंबर 12th एंड कैल्शियम। दूसरा, अच्छा फिर ये तो था हमारा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। उसके पहले पहले में क्या था, पिछले क्वेश्चन में इन्होंने ये भी लिखा है कि इफ़ेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑन पेसमेकर पोटेंशियल। सो जो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम है, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट विच इज़ पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी, एंड पैरासिम्फेटिक डिक्रीजेज द हार्ट रेट विच इज़ नेगेटिव क्रोनोट्रोपी। सिम्फेटिक इंक्रीज CMP लेवल, एंड पैरासिम्फेटिक ओपन्स पोटेशियम चैनल्स लीडिंग टू इंक्रीज इन पोटेशियम ईफ्लक्स विच डिक्रीज द स्लोप ऑफ प्री पोटेंशियल। तो ये पता क्यों करता है, क्योंकि हमारा जो पैरासिम्फेटिक है ना, पैरासिम्फेटिक आता है वेगस के थ्रू, और वेगस का काम होता है कि वो जो पोटेशियम के ACH एसिटाइल कोलिनर्जिक जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं उसे ओपन कर देती है, जिसकी वजह से पोटेशियम का ईफ्लक्स होता है, और जो प्री पोटेंशियल था, मतलब जो फेज फोर था, उसकी स्लोप को वो डिक्रीज कर देगा, तो जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और सिम्फेटिक में क्या होता है कि वो जो CMP होता है वो HCN चैनल्स को ओपन कर देता है, और कैल्शियम चैनल्स को भी ओपन कर देता है, क्योंकि कैल्शियम चैनल्स क्या होते हैं, CMP डिपेंडेंट। तो अगर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, एंड देयर विल बी इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, सो आगे हमारा ब्लड फ्लो इन कोरोनरी वेसल ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। तो इधर तो डायग्राम नहीं बना हुआ, हाँ तो पढ़ लेते हैं पहले कि करेक्टरिस्टिक ऑफ लेफ्ट कोरोनरी फ्लो। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विल कॉज सीवियर मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ द सब एंडोकार्डियल वेसल्स, देयरफॉर वेरी लिटल इफ एनी ब्लड फ्लो अकर्स ड्यूरिंग सिस्टोल, एंड द मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो इज ड्यूरिंग डायस्टोल। तो इसका देखो मतलब क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और एक राइट वेंट्रिकल होता है, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, वो सिस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta का प्रेशर बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिर्फ 1 millimeter ऑफ मर्करी का डिफरेंस होता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल और aorta में ऑलमोस्ट 25 millimeter ऑफ मर्करी का डिफरेंस होता है। तो उसमें तो ब्लड फ्लो कर जाएगा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्यूरिंग सिस्टोल ब्लड फ्लो नहीं होता।
तो उसमें मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो इज ड्यूरिंग डायस्टोल, क्योंकि डायस्टोल में aorta में होता है 120 मिलीमीटर ऑफ aorta में होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और दोनों वेंट्रिकल्स में होता है 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसलिए डायस्टोल में दोनों वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। हाँ, लेकिन सिस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकल में सब एंडोकार्डियल फ्लो नहीं होता, लेकिन सम एपिकार्डियल फ्लो होता है। अच्छा, तो ये डायग्राम वाला एक क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि ये सबसे पहले हम दिखाएंगे aortic प्रेशर, जिसकी मैक्सिमम लिमिट इज 120 ड्यूरिंग सिस्टोल एंड 80 ड्यूरिंग डायस्टोल। तो ये वेरियस फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, और फिर ये हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा ड्यूरिंग सिस्टोल, तो ये स्लो बहुत कम आएगी, एंड जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसमें मोस्टली सिमिलर होगा। तो ये याद ही करना है ग्राफ सारा। हाँ देखो, मोस्ट लेफ्ट कोरोनरी फ्लो अकर ड्यूरिंग डायस्टोल, वेयर एज राइट कोरोनरी फ्लो अकर मोस्टली ड्यूरिंग लेट सिस्टोल एंड अर्ली डायस्टोल। और फिर हम देखेंगे राइट कोरोनरी का, तो राइट वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन कॉज मोडस्ट मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ द वेसल्स, देयरफॉर सिग्निफिकेंट फ्लो अकर ड्यूरिंग डायस्टोल एंड ग्रेटेस्ट फ्लो अकर ड्यूरिंग डायस्टोल। सिस्टोमेट्रोग्राम हमने कल कर लिया था, पहले आया हुआ ये। फिर है जी एफ आर की डेफिनेशन क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज इन 1 मिनट, इट इज़ 125 मिलीलीटर पर मिनट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ GFR क्या होते हैं, हमने कल भी पढ़ा था कि GFR इज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द नेट प्रेशर, और फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी एंड द सर्फेस एरिया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, KF विच इज़ द फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, नेट प्रेशर क्या होता है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस बाउमेंस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस बाउमेंस कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड हाउ डू वी मेजर GFR, वी डू इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट। एंड वाई वी यूज इन्यूलिन, इन्यूलिन इज फ्रीली फिल्टर्ड, इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, नॉन स्टोर्ड और मेटाबोलाइज एंड कैन बी ईजिली एस्टिमेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव इंट्रावीनस बोलस डोज एंड देन वी कंटिन्यू इंट्रावीनस इन्फ्यूजन टिल रेट ऑफ इन्फ्यूजन इक्वल लॉस इन यूरिन, दस इन द यूरिन वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कम्प्लीटली क्लियर्ड इक्वल्स द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड पर यूनिट टाइम। सो क्लियरेंस ऑफ इन्यूलिन विल बी इक्वल टू GFR विच इज यू इन टू वी बाई पी, यू इज यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन, वी इज यूरिन फ्लो रेट एंड पी इज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR, एज, इट डिक्रीज विद एज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीनल ब्लड फ्लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाउमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया। एंड सर्फेस एरिया को कौन रेगुलेट करता है, मेसेंकाइमल साइल बाय रेगुलेटिंग द कैपिलरी साइज। सो वट विल हैपन टू कोएगुलेशन इन विटामिन के की डेफिशियंसी, इट इज़ नोन एज ब्लीडिंग डिसऑर्डर और हेमरेजिक स्टेट अकर्स ड्यू टू विटामिन के डेफिशियंसी एंड क्लोटिंग टाइम इंक्रीजेस। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर इन द लिवर, एंड कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर, 2, 7, 9 and 10। सो मिस ऐसे याद रखता है, 2 और 7 याद रख लो, और 2 + 7 = 9, 9 के बाद 10। और जो क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होता है, गामा कार्बोक्सिलेशन बाय द हेल्प ऑफ विटामिन के। सो व्हाट हैपेंस टू द ब्लड पिक्चर इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देयर इज अ डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी हाइपोक्रोमिक एनीमिया, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कॉन्टेंट, डिक्रीज इन माइक्रोसिटिक RBC, डिक्रीज सीरम फेरिटिन बट टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज, सीरम आयरन डिक्रीज, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम विल डिक्रीज, इसीलिए हम कहते हैं माइक्रोसिटिक, एंड क्योंकि हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो रहा है तो हाइपोक्रोमिक अनीमिया, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। सो वट हैपन टू द इंटेस्टिनल मोटिलिटी इफ हॉट वाटर बॉटल इज अप्लाइड टू द एबडोमिनल वॉल, हॉट वाटर बॉटल कोज हीटिंग ऑफ द एबडोमिनल वॉल, इंक्रीज इन टेम्परेचर कोज इंक्रीज इन सिम्फथैटिक एक्टिविटी, इंक्रीज सिम्फथैटिक एक्टिविटी कोज डिक्रीज इन द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। सो वट हैपन्स टू जुगुलर वीनस प्रेशर इन द पेशेंट्स ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये हमारे ग्राफ्स एंड चार्ट में भी है।
So in congestive cardiac failure, there will be increase in the jugular venous pressure. There is inability of cardiac muscle to pump the blood out of the heart. So there is inefficient pumping. Due to this, there is increased pulmonary pressure resulting in shortness of breath. Increased right atrial pressure causes increase in the jugular venous pressure. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डीकम्प्रेशन सिकनेस. डीकम्प्रेशन सिकनेस के बहुत सारे नाम है. केजन डिसीज, डीकम्प्रेशन सिकनेस, डाइवर्स पालसी, बेंट्स एंड डिसबैरिज्म. डाइविंग इन डीप सी कॉज डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लाज्मा एंड लीड टू नाइट्रोजन नार्कोसिस, जिसके फीचर्स क्या, यूफोरिया, लॉस ऑफ मेंटल फंक्शंस लाइक रीजनिंग. रैपिड असेंट और सडन डीकम्प्रेशन कॉज डिजोल्व नाइट्रोजन टू बी रिलीज एज बबल्स. Bubbles in fat and myelin sheath cause paralysis. Lung capillaries cause dyspnea. And bubbles in heart will cause myocardial infarction. Bubbles in joints will cause severe pain, which is known as bends. Phir hai, what is Wenckebach phenomena? It is seen in second degree AV block. So, Wenckebach phenomena mein kya hota hai? Ki jo humara PR interval hai, PR interval हमेशा प्रोलोंग होता रहेगा विद ईच बीट, एंड एक पी वेव ऐसी आएगी जिसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा. सो देर इज़ प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पी आर वेव अंटिल अ बीट इज ड्रॉप्ड. बीट ड्रॉप्ड का क्या मतलब है? अ पी वेव नॉट फॉलोड बाई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. इट इज़ यूजअली ए सिम्टोमैटिक. वेरिएबल आर आर इंटरवल विद अ पैटर्न विद, तो इसलिए से हम क्या कहते हैं, रेगुलरली इरेगुलर. मतलब पैटर्न इज रेगुलर लेकिन उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इरेगुलर है. फिर हमारा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज बाय पेसमेकर और एट्रोपिन ओनली सिम्टोमैटिक इन मोबिट्स टाइप वन. हाँ, तो जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है वो दो तरह का होता है, मोबिट्स टाइप वन और मोबिट्स टाइप टू. टाइप टू में क्या होता है कि ड्रॉप्ड बीट्स that are not preceded by change in length of PR interval may progress into third degree block, often treated with pacemaker. Phir what are the functions of plasma protein? Maintain osmolarity, coagulation, viscosity of blood, immunity, transport of gases, transport of nutrients, transport of hormone, nutrition to tissue, excretion of metabolic waste, fluid electrolyte and pH homeostasis. What is the clinical significance of sodium potassium pump? It maintains the electrical gradient, इसलिए इसे electrogenic pump कहते हैं. Potassium inside and sodium outside अपनी अपनी जगह पर उन्हें डालता है. Maintain resting membrane potential, regulate pressure inside the cell and its volume. फिर अब what are the migratory motor complex in the stomach? They increase bile secretion, increase the secretion of gastric juice, increase the secretion of pancreatic juice and prepare the intestine for the next meal. So what is the significance of long refractory period in the cardiac muscle? It cannot be fatigue or tetanized due to its long absolute refractory period. Kitna hota hai? 200 to 300 milliseconds. Theek hai? तो ये हो गया हमारा 2015 का. इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है. बाकी इसमें अब 2014 में देखो, हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिया वाला रिपीटेड है, हमने कल किया था. उसके बाद स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस भी कल हुआ था. हिट्रोमेट्रिक रेगुलेशन भी हो गया. उसके बाद हाँ, सी डाइवर वाला हो गया. बस हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिया दोबारा, ये भी कल हो गया था. डाइट्री फाइबर्स भी कल हो गया था. तो बहुत मतलब बढ़िया रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें. तो हम करते हैं, पहले वाला तो कल हो गया था, हाइपोक्सिया. अगला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स कर्व. तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्राफ है, इट डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड आर्टीरियल ब्लड PCO2 एंड डिक्रीज्ड आर्टीरियल pH. So note, if the arterial PCO2 increases between 35 and 75 millimeter of mercury, there is marked increase in ventilation. So इसमें क्या है, between 35 to 75 millimeter of mercury में there is marked increase in ventilation. On the other hand, the increase in ventilation produced by change in pH between 7.3 and 7.5 is only 1/10
ठीक है, बिटवीन कितना 7.3 एंड 7.5। ये मतलब उससे बहुत कम है PCO2 की राइसेस। सो दिस ग्राफ सिग्निफाइज दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑलवेज PCO2 का लेवल। स्टेजेस ऑफ RBC डेवलपमेंट भी था, कल हो गया था। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन इन स्टमक। सो द पेराइटल सेल सिक्रीट HCl इनटू द ल्यूमन ऑफ स्टमक एंड अब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट इन द ब्लड स्ट्रीम एज फॉलोस। पेराइटल सेल होते हैं स्टमक में विच सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl। फिर चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन एंड जी सेल सिक्रीट गैस्ट्रिन। दिस गैस्ट्रिन विल स्टिम्युलेट पेराइटल सेल टू सिक्रीट HCl। फिर हम इधर आते हैं कि ये पेराइटल सेल ने HCl को सिक्रीट कैसे करवाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इन द पेराइटल सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड टू H2CO3 विच विल ब्रेक इन टू H+ एंड HCO3-, कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस। H+ इज सिक्रीटेड इन टू ल्यूमन ऑफ स्टमक बाय एंटीपोटिंग विद पोटाशियम आयन्स। H+K+ATPS एंड Cl- इज सिक्रीटेड अलोंग विद H+ आयन, दस इट विल फॉर्म HCl। ठीक है, Cl- आया कैसे? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोटर से। सो नाउ हिट्रोमेट्रिक रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। फिर हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ यू शेप ट्यूब्स इन विच द फ्लो फ्लूइड इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन द टू लिम्स ऑफ द यू शेप ट्यूब्यूल्स इन किडनी। काउंटर करंट सिस्टम इज सीन इन द लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा इन द रीनल मेड्यूला। काउंटर करंट सिस्टम लोकेशन, फर्स्टली इट्स इन किडनी लूप ऑफ हेनले। फंक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। इन लिम्स देर इज हेयर पिन अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी एंड वेन। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वार्म आर्टीरियल ब्लड गोइंग टू द लिम्स टू द कोल्ड वेनस ब्लड कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज। इन द टेस्टिस काउंटर करंट इज बिटवीन स्पर्मेटिक आर्टरीज एंड द पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। फंक्शन, फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट एंड टेस्टोस्टेरोन। इन इंटेस्टाइन मटीरियल्स एब्सॉर्ब इन टू द कैपिलरीज डिफ्यूज डायरेक्टली फ्रॉम द वेन्स टू द आर्टीरियल्स। सो वी विल सी काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सबसे पहले द थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। वी नो दैट द फ्लूड लीव्स आउट ऑफ PCT इज आइसोस्मोटिक। वंस इट एंटर्स अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वॉटर मूव्स आउट फ्रीली लीविंग द सोल्यूट इन साइड। सो द फ्लूड इन द डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले बिकम्स हाइपरटोनिक। ऑस्मोलारिटी रीच एट द टिप ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज अराउंड 1200 मिलियोस्मोल्स पर किलोग्राम। वॉटर मूव्स आउट ऑफ द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले थ्रू एक्वापोरिन 1। द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नोन एज डाइल्यूटिंग सेगमेंट। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू सोल्यूट्स बट इम्परमिएबल टू वॉटर। सो सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम मूव्स आउट ऑफ द थिक असेंडिंग लिम्ब थ्रू सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ सोल्यूट लीविंग द वॉटर इन साइड द फ्लूड बिकम्स हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। सो दिस वॉज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। नाउ काउंटर करंट एक्सचेंजर विच इज वाजा रेक्टा। वासा रेक्टा आर द स्ट्रेट कैपिलरीज दैट रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। वासा रेक्टा सर्व्स एज काउंटर करंट एक्सचेंजर। दे मिनिमाइज वॉश आउट ऑफ सोल्यूट्स एंड मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट डेवलप्ड बाय लूप ऑफ हेनले। सो वट इज रोल ऑफ यूरिया एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये कल भी आया था कि रिमेंबर दैट ओनली 50% ऑफ मेड्यूलरी हाइपरऑस्मोलैरिटी इज ड्यू टू NaCl। Remaining 50% is contributed by the end product of protein metabolism, which is urea. It is for this reason high protein diet increases the concentrating ability of kidney and low protein diet decreases kidney's ability to concentrate the urine. Under the influence of antidiuretic hormone, urea is reabsorbed from the medullary collecting tubule and from there urea diffuses into the ascending loop of Henle. Urea transport in the kidneys UTA. It has 4 isoforms UTA1 to UTA4. Urea transporter in the collecting duct are A1 and A3. They both are regulated by antidiuretic hormone. Urea transport in the descending limb of vasa recta is UTB
एंड इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय ADH. UTB आर ऑल्सो प्रेजेंट इन RBC. सो इसमें आता है व्हाट इज ऑस्मोटिक डायूरेसिस एंड वाटर डायूरेसिस. ऑस्मोटिक डायूरेसिस इज इंक्रीज इन द ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस इन प्लाज्मा ग्लूकोज इन द प्लाज्मा एंड ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से ग्लूकोज एंड द मेनिटोल. वाटर डायूरेसिस में देर इज इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम ड्रिंकिंग इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर. इन ऑस्मोटिक डायूरेसिस टी मैक्स ऑफ द फिल्टर सब्सटेंसेस इज अचीव्ड ड्यू टू विच नो फर्दर रीअब्सॉर्प्शन अकर एंड डायूरेसिस ऑफ यूरिन हैव ऑस्मोलैरिटी इक्वल टू प्लाज्मा. इन वाटर डायूरेसिस प्लाज्मा बिकम हाइपोटोनिक विच इनहिबिट एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन सिक्रीशन एंड देर विल बी डायूरेसिस ऑफ द डायल्यूटेड यूरिन. फिर हमारा केजन डिसीज हमने अभी किया. उसके बाद है इफ़ थर्ड डिग्री ब्लॉक सेट्स इन सडनली तो क्या होगा. देर विल बी नो कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स विल हैव ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम एंड इसको इट विल डेवलप इनटू स्टोक्स एडम सिंड्रोम डिजीनेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कन्वर्जन्स ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू ब्रेन. एंड इफ ब्लड फ्लो टू इनर रीनल मेड्यूला इंक्रीजेस लो ब्लड फ्लो इन रीनल मेड्यूला इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी. इंक्रीज इन ब्लड फ्लो विल डिक्रीज द ऑस्मोलैरिटी रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंट काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड देर विल बी लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन हैंस वी विल गेट डाइल्यूटेड यूरिन. सो वट हैपन्स इफ द बाइल डक्ट इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड. सो ब्लॉकेज के कोज क्या होता है. बिलियरी स्टोन इंक्रीज प्रेशर ऑन द हिपैटिक डक्ट कोलेस्टेटिक जॉन्डिस एंड इट फीचर लाइक इक्टरस लॉस ऑफ एपिटाइट इचिंग. देर विल बी एब्सेंट डाइजेशन ऑन फैट. देर विल बी स्टीएटोरिया विच मीन्स एब्सेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन टेस्ट. नाउ रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन. इसका हमने कल पैरासिम्फेटिक का क्वेश्चन आया था. सो रेगुलेशन क्या है. सलाइवा प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्फेटिक एंड सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम नॉट बाय गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स. सलाइवा प्रोडक्शन इज यूनिक इन दैट इट इज़ इंक्रीज बाय बोथ पैरासिम्फेटिक एंड सिम्फेटिक एक्टिविटी बट पैरासिम्फेटिक इज मोर इम्पोर्टेंट. पैरासिम्फेटिक स्टिमुलेशन इज प्रोवाइडेड बाय क्रेनियल नर्व 7th and 9th. इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन द एसाइनर एंड द डक्टल सेल एंड बाय कोजिंग वेजो डाइलेशन. अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि असाइनर और डक्टल सेल में जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो होते हैं मस्करिनिक एंड द सेकेंड सेकेंडरी मैसेंजर यूज हियर इज IP3 एंड इट इंक्रीज द इंट्रासेल्युलर कैल्शियम. सो नाउ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग विच इज एट्रोपिन इट विल इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड कोज ड्राई माउथ. नाउ सी पैरासिम्फेटिक स्टिमुलेशन इज कोज बाय कंडीशनिंग फूड नोजिया एंड स्मेल एंड इट इज इनहिबिटेड बाय डिहाइड्रेशन फियर स्लीप एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग. So parasympathetic releases acetylcholine and acetylcholine acts on the muscarinic receptor and this step is inhibited by atropine which is anticholinergic drug. Now acetylcholine inside will lead to formation of IP3 which will increase the calcium level in the acinar and the ductal cell. Similarly sympathetic release norepinephrine which act on the beta receptor to increase CMP. Now both increase CMP and increased calcium will lead to formation of saliva. So now increase in the production of saliva and the growth of salivary gland, although the effect are smaller than that of the parasympathetic stimulation. Where your receptor kya hote hai, sympathetic ke liye beta adrenergic and the secondary messenger is CMP. So saliva production is increased via the action of parasympathetic nervous system by food in mouth, smell, condition, reflex and nausea, decreased by sleep, dehydration, fear and anticholinergic drug. So hypoxia we did kal 2016 mein. Now triple response mein kya hota hai, 3 response hote hai. सबसे पहले होता है रेडनेस जिसे हम कहते हैं रेड लाइन. फिर होता है फ्लेयर. फ्लेयर को हम कहते हैं एक्सोन रिफ्लेक्स एंड व्हील. व्हील क्या होती है इन्फ्लेमेशन. सो रेड लाइन इज कॉज्ड बाय हिस्टामिन. एक्सोन रिफ्लेक्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोग्रेड
रेट्रोग्रेड सिमुलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड व्हील इज कॉज्ड बाय हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन एंड सब्सटेंस पी. तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, व्हील क्या होता है? लोकल इडीमा दैट रिजल्ट फ्रॉम द लोकल रिलीज ऑफ हिस्टामिन विच इंक्रीज द कैपिलरी फिल्ट्रेशन. एक्सोन रिफ्लेक्स क्या होता है? एक्सोन ऑफ द क्यूटेनियस रिसेप्टर ऑन स्टिमुलेशन एक्टिवेट इंटर न्यूरोन विच स्टिम्युलेट आर्टीरियल्स लोकली कॉजिंग द डाइलेशन ड्यू टू एसिटाइल कोलिन रिलीज. फिर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर कल हो गया था. फिर डायट्री फाइबर भी कल था. हाँ, नाउ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द वेंट्रिकुलर मसल. सो व्हाई एक्शन पोटेंशियल इज लॉन्गर इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर? और टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड. इट अलाउज द फिलिंग ऑफ एट्रिया एंड देर इज एडिक्वेट एम्प्टिंग ऑफ वेंट्रिकल एंड दस वेंट्रिकल्स कैन नेवर बी टेटनाइज्ड. ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लेना. फिर मैं 2013 के पेपर पे तो हमें लास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो भी पेपर्स है सभी में सेम ही क्वेश्चंस है, मतलब कोई भी अलग है नहीं. तो देखो, कार्डियक आउटपुट वाला अभी हमने किया, उसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे वाला भी किया, FEV1 वाला पहले कितनी बार आ गया, कल के सारे पेपर्स में यही था. काउंटर मल्टीप्लायर सिस्टम भी हो गया, ये करना है. उसके बाद ये करना, सर्फेक्टेंट वाला था कल, पैरासिम्फेटिक वाला था कल, उसके बाद है ये दोनों थे कल, और कोरोनरी ब्लड फ्लो भी किया था डायग्राम में. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बच जाता है क्योंकि इसके बाद के सारे ही रिपीटेड है. मैं मतलब पेपर भेज दूंगी, देख लेना. तो हम करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस. तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज सेल्स विच आर लोकेटेड वेरी नियर टू ग्लोमेरुलस. सो द जे जी अपैरेटस कंप्राइजेस थ्री टाइप ऑफ सेल, नेमली जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, मैक्यूला डेंसा सेल एंड एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल और द लेसी सेल. सो व्हाट आर द सेल्स इन द जे जी अपैरेटस? देयर आर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल आर लोकेटेड इन द मीडिया ऑफ एफरेंट आर्टीरियल्स. दे सिंथेसाइज, स्टोर एंड रिलीज रेनिन. Renin is stored in the secretory granules, so juxtaglomerular cell are also known as granule cell. These cells are baroreceptor, they release renin whenever there is hypoperfusion and hypotension. They are densely innervated by sympathetic nerves, that is, they release renin in response to sympathetic discharge. Then we have macula densa cells. They are specialized epithelial cells of the thick ascending limb of loop of Henle. They sense they sense sodium chloride concentration in the tubular lumen, thus they serve as chemoreceptor. They regulate GFR through tubuloglomerular feedback. So now what are the mesenchymal cells? They are also called as Lacy cell or Gur. पता नहीं, ये है नहीं बुक में, छोड़ दो, पता नहीं क्या. दे आर लोकेटेड एट द इन द जंक्शन बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियल्स. सो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल का डायग्राम क्या है? ये है हमारा ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस के बीच में ये कैपिलरीज, ये क्या कैपिलरीज, उसके बीच में ये दिखाया है मेसेंगियल सेल्स. This is our afferent arteriole जो आ रहा है. This is efferent arteriole. Efferent arteriole की thickening में होता है juxtaglomerular cell. And फिर thick ascending segment of loop of Henle की thickening होती है macula densa cell. And इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? Extraglomerular mesenchymal cell. तो ये है intraglomerular mesenchymal cell, ये हमारे extraglomerular mesenchymal cell. ठीक है, उसके बाद है नेम द डिफरेंट फेजेस ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन. सो गैस्ट्रिक सिक्रीशन के तीन फेज होते हैं. एक मिनट. सो गैस्ट्रिक सिक्रीशन के तीन फेज होते हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टिनल फेज. सिफेलिक फेज इज स्टिम्युलेटेड बाय स्मेल एंड साइट टू द हाइपोथैलेमिक फीडिंग सेंटर फ्रॉम 1 to 3 hours. दे आर मीडिएटेड बाय एसिटाइल कोलिन एंड हिस्टामिन. Gastrin releasing peptide is stimulated, is released by the vagal stimulus. Taste stimulate vagus, which increase appetite juice, thus increase in the gastric juice.
ह्यूमोरल कंट्रोल इज गिवन बाय रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन. सो गैस्ट्रिक फेज की रेगुलेशन क्या होती है? एसिड सिक्रीशन ड्यू टू द स्ट्रेच कोस बाय फूड ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, केमिकल स्टिमुलेशन बाय द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन विच विल इंक्रीज रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन. सो रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टिनल फेज, पेप्टाइड YY इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन. पेप्टाइड YY, GIP एंड सिक्रीटिन इज सिक्रीटेड व्हेन फूड एंटर्स ड्यूओडेनम. ऑल ऑफ देम इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. सो पेप्टिक अल्सर इसका क्लिनिकल है. पेप्टिक अल्सर इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन एंड अमोनिया क्लाउड. There is disruption of mucosal bacteria, mucosal barrier, depletion from the somatostatin from D cell, increased gastrin secretion, increased acid secretion, gastric metaplasia, and gastric ulceration. So what happens if the fetal hemoglobin persists during adult life? So in thalassemia, where there is defective beta chain of adult hemoglobin, fetal hemoglobin is beneficial. Fetal hemoglobin has 2 alpha and 2 gamma chain, high oxygen affinity with lifespan of 80 days. This persistence of fetal hemoglobin beyond 4 to 6 years of age is indicative of defective condition of adult hemoglobin. So, baaki surfactant wala kal ho gaya tha, abhi hamara diabetes insipidus. So, what happens to the osmolality of the urine in the patient of diabetes insipidus? There is absent secretion of ADH hormone, no reabsorption of water from collecting duct and the tubules, so there will be hypotonic urine, loss of extracellular fluid, and plasma will become hypertonic. So now part 3, secondary active transport. Secondary active transport indirectly use energy obtained by hydrolysis of ATP, utilize the energy stored in the ionic concentration gradient of one substance to drive the other substance across the cell membrane. Secondary active transport of glucose along with sodium, example is secondary active transport ka. So they are of three type: uniport, symport, antiport. Uniport kya hai? Example, facilitated diffusion of glucose in presence of sodium. Symport, co-transport of glucose with sodium. Antiport, counter transport of sodium with calcium or sodium with H plus ion. So fibrinolytic system. Fibrinolytic system means lysis of the fibrin clot. In this so kya hota hai ki plasminogen in the plasma is inactive form of plasmin. Tissue plasminogen activator is released from the damaged tissue. So tissue plasminogen activator and thrombin converts the plasminogen into plasmin. Plasmin is also known as fibrinolytic factor. So plasmin breaks fibrin into fibrin degradation products. Tissue plasminogen activator analogs are human tissue plasminogen activator, streptokinase and urokinase. So it prevents intravascular clotting and thrombosis. So now what is Herring-Brewer inflation reflex? So whenever there is marked inflation of the alveoli, it will stretch the alveolar wall and it will stimulate the J receptor and they will stimulate the unmyelinated vagal efferent. And then there will be stimulation of apneustic center, which will inhibit the breathing, inhibit breathing and cause reflex apnea. So agar reflex apnea mein kya hoga, kyunki breathing inhibitory hai, rapid shallow breathing with bradycardia and hypotension. So ise kehte hai Herring-Brewer inflation reflex. Herring-Brewer deflation reflex kya aata hai, whenever there is marked deflation, there will be decreased duration of expiration. सो हमने कर लिया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में सब एंडोथीलियल का मतलब सब एंडोथीलियल में क्या होता है, तो ब्लड फ्लो अकर्स ओनली ड्यूरिंग डायस्टोल बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट इज जस्ट -1 mm ऑफ मर्करी. सो जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है ये हमने कल कर लिया था, लूप डायोरेटिक स्पीकल हो गए थे. सो बस यही है इसमें पार्ट 1 के पेपर्स में, कुछ पूछना है तो पूछ लो.